डीमार्ट गई थी तो वहाँ से मैंने शॉपिंग करी है। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें लाइनिंग है और ये इसमें ग्रिल भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको लिया है। और मैंने एक डोसा का तवा लिया है, इसकी कोटिंग काफ़ी अच्छी है और इसमें मुझे 1 साल की वारंटी भी मिली है और ये इंडक्शन पे भी चलेगा और गैस पर भी चलेगा। और मैंने एक एयरटाइट कंटेनर लिया है और मैंने मसाले के लिए छोटे डब्बे लिए हैं, ये कुछ 99 के 6 मिल रहे थे और उससे बड़े भी मैंने कंटेनर लिए हैं, ये भी 99 के 6 थे। और ये कुछ 300 के 4 डब्बे हैं और इसके अंदर में 2 स्पून भी फ्री है और ये एयरटाइट कंटेनर है। तो मेरे घर में कुछ सामान भरने के लिए था ना, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और ये 2 छोटे ग्लास हैं, मेरे आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो बड़े हैं मगर जो छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए मैं 2 ग्लास लेके आई हूँ। और मैंने एक डिनर सेट लिया है, ये कुछ 500 रुपये का था और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें 4 प्लेट बड़ी है, 4 प्लेट छोटी है और 4 बाउल है और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा और इसमें जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो चलो मैं इसको आपको खोल के बताती हूँ। चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है, जो ऊपर में बताया है उसके जैसा है कि नहीं है। ये भी एक पैकेट निकला है और एक ये भी है, इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी करी है ताकि वो कांच का बाउल है इसलिए टूटे नहीं, इसके लिए जो भी ये कंपनी है उसने अच्छे से पैक करके दिया है। चलो हम इसको खोलते हैं, इसमें क्वालिटी कैसी निकलती है देखते हैं। वाओ, डिज़ाइन भी अच्छा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है ये। और एक दूसरे में स्क्रैच ना आए इसके लिए उसके अंदर में ऐसा रखा है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। अभी हमें दूसरा पैकेट है उसको खोल लेते हैं। इसमें 2 सर्विंग बाउल भी निकले हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसमें डिजाइन भी दिया है और इसको भी स्क्रैच ना हो इसके लिए इसमें ऐसा रखा है। अभी देख, अभी ये तो हमने अनबॉक्सिंग कर ली, अभी इसको हम खोलते हैं इसमें क्या है। ये प्लेट भी अच्छी है, उसमें से ये कैसा रखा है ताकि प्लेट टकरा के टूटे नहीं। इसकी डिजाइन काफी अच्छी है, बाउल में भी डिजाइन है ऐसी सेम। इसमें 4 प्लेट है और 2 बाउल है और 4 छोटे बाउल है और ये माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं इसको और ये जल्दी से टूटेगा नहीं है और अच्छा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा वेट वाला भी नहीं है और अच्छा है। और वैसे इसकी कीमत तो 1000 से ज़्यादा है, मुझे ये डीमार्ट में डिस्काउंट पे मिला है, 499 का मिला है मुझे। हाँ, ये तो हो गई थी मेरी मार्ट से कपड़ों की भी शॉपिंग करी है और ये कपड़े भी उधर पे काफ़ी अच्छे से मिल रहे थे और ये मुझे कुछ 350 का मिला है। और एक कुर्ता भी लिया है मैंने, ये कुछ 200 का ही था
और डीमार्ट में भी काफ़ी सारा डिस्काउंट चल रहा है। ये मैंने एक शर्ट लिया है और एक ये टी शर्ट भी लिया है, 99 का है ये, और एक कुर्ता है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इसको वर्क करके भी दिया है, और ये कुछ इतने का था, 899 का था, मगर मुझे 500 में ही मिला है। और मैंने और एक शर्ट भी लिया है उधर से, मैंने बच्चों के लिए शॉपिंग करी है क्योंकि काफ़ी सारा भी दिवाली की वजह से डिस्काउंट चल रहा है। और मैंने एक और एक टी शर्ट लिया है, ये कुछ इतने का था, मगर मुझे 200 का ही मिला है। और मैंने जीन्स भी लिया है वहाँ से, 500 का जीन्स है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और मैंने एक ये जीन्स भी लिया है, ये भी मुझे 500 में मिला है। और ये शर्ट भी मुझे मिला है कुछ 249 का ही मिला है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गई मेरी कपड़ों की शॉपिंग। हाँ, और अभी दिवाली है तो मैंने कुछ ग्रॉसरी भी ख़रीदा है डीमार्ट से। ये रसगुल्ले का पैकेट है और सब पे काफ़ी सारा डिस्काउंट चल रहा है। और अभी दिवाली है तो मैंने मोमबत्ती भी लिया है। एक मैंने ये ओखली भी लिया है और ये काफ़ी क्यूट लग रही थी, अच्छी लग रही है मुझे, और ये लकड़ी की है और देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने इसको लिया है। और भी मैंने सामान घर के लिए लिया है, ये बाथरूम के लिए मैंने एक छोटी टोकरी लिया है और एक बर्तन रखने के लिए टोकरी ली है, और एक ये तवा वगैरह कुछ चम्मच टांगने के लिए लिया है, और एक शू स्टैंड लिया है। ये सब सामान डीमार्ट में काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा था तो मैंने लिया है। और बाकी का मैंने कुछ, मैं रिलायंस, अभी हमारे एरिया में रिलायंस जियो नया खुला है तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे भी सब चीज़ें बाय वन गेट वन फ्री थी, तो मैंने कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लिया है। और जो भी मतलब बच्चे साथ में थे, बच्चों को जो जो पसंद आया, सब लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जिसको जो खाना है वो सब उठाया। और मैंने उधर पे किशमिश वगैरह अच्छा मिल रहा था, बाय वन गेट वन था, तो फिर मैंने एक एक पैकेट लिया, कुछ कोकोनट वाटर लिया है। और अभी हमारे आसपास में एक डीमार्ट है और एक रिलायंस है, तो दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता है किसके यहाँ ज़्यादा सस्ता। मैं दोनों जगह पे घूम के आती हूँ, जहाँ मुझे अच्छा और सस्ता मिलता है मैं वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। कपड़ों पर भी ऐसा था, बाय वन गेट वन फ्री था, तो मैंने लिए हैं कपड़े भी, जो मतलब 700 की चीज़ है तो आपको 350 में मिलेगी, 500 की है तो 250 में मिलेगी, ऐसे करके सब अच्छा अच्छा सामान था। और मुझे सामान की भी ज़रूरत थी, दिवाली भी है तो मैंने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। और मैंने काफ़ी मतलब कुछ 2-3 दिन गई घूमने के लिए, और घूमते घूमते मैंने 2 जगह पहले जाके देखा, उसके बाद में मैंने शॉपिंग करी है। आप लोग भी कभी भी शॉपिंग करने जाते हो तो पहले रेट पता करिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती मिलती है, उसके हिसाब से आप शॉपिंग करिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।